नांदेड़ शहर में दिवाली के पटाखों की दुकानें सज गईं। जानिए क्या हाल है मार्केट का। नांदेड़ शहर में दिवाली त्यौहार के लिए पटाखों की दुकानें गुरुद्वारा मैदान रेलवे स्टेशन रोड पर सज गई हैं, जहां पर 50 से ज़्यादा दुकानें ताजरों ने लगाई हैं, जहां पर होलसेल और रिटेल में पटाखे फरोख्त किए जाते हैं। नांदेड़ शहर के अलावा ताल्लुकों और पड़ोसी ज़िले से भी छोटे ताजर यहाँ पटाखे खरीदने के लिए आते हैं। इस जिम्मा में वर्खा ताज़ा के नुमाइंदे ने आज यहाँ पहुंचकर बाज़ार का जायज़ा लिया तो ताजरों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से साल गुज़िश्ता दिवाली बहुत फीकी रही और पटाखों की फरोख्ती कम हुई थी, लेकिन इन साल हालात में कुछ बेहतरी आई है, मगर पटाखों का माल फैक्ट्री में कम तैयार हुआ है, जिसके बायस बाज़ारों में भी जितना माल पहुँचना चाहिए था उतना नहीं आ सका है। आज हमने नांदेड़ ज़िला पटाखा एसोसिएशन के सदर और दिग्गज ताजरों से बातचीत कर उनसे मालूम हासिल की। धनराज मंत्री, क्रैकर एसोसिएशन अध्यक्ष। ये कितने साल से इधर मार्केट लगता है ये ग्राउंड पर? ये 10-11 साल हो गए। इससे पहले कहाँ लगता? नया मुंडा मार्केट कमेटी में था। तो ये इसके लिए परमिशन कहाँ से लेना पड़ता है? कलेक्टर ऑफिस, सबके फायर ब्रिगेड, महापालिका, कलेक्टर, एसपी ऑफिस, पुलिस स्टेशन। कितने दिन लगते हैं सब प्रोसीजर को आपकी परमिशन लेने में? परमिशन लेने को कम से कम 15-20 दिन। यहाँ कितने दिन की परमिशन मिलती है आपको? यहाँ 15-1 दिन की मिलती, समझो 15 दिन की मिलती परमिशन। आपको फायर ब्रिगेड की तरफ से कुछ यहाँ सहूलत देते क्या? देते ना, पानी का आता, टैंकर। यहाँ कोई टैंकर खड़े वाले नहीं रहता है 24 घंटों रहते? आज आने वाला था, आया नहीं, कल आएंगा शायद। यहाँ कितने दुकान लगती है? टोटल 50 लगती है और अपने 46 है, 46। तो इसका भाड़ा 15 दिन का रहता है? नहीं, 15 दिन का गुरुद्वारे को जाता भाड़ा, गुरुद्वारा को। ये तो माल सप्लाई आपका कहाँ से होता? पूरा शिवाकाशी पूरा माल ना ग्राउंड। ये पूरा होलसेल मार्केट है? होलसेल मार्केट, होलसेल रिटेल दोनों भी। तो यहाँ पे पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं? अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं पर नांदेड़ से ज़्यादा आते हैं। तो गुरुद्वारा बोर्ड का अभी का पेड करते हैं किराया? पेड करते हैं। और इसके अलावा महानगर पालिका से आपको क्या सहूलत इधर क्या मदद मिलती है महानगर पालिका से? महानगर पालिका से ये पानी का फर्क, पानी का साफ सफाई का कोई ऐसा नहीं, बाद में आते ना साफ सफाई का। ये 2015 से यहाँ पे चालू है साहब, तकरीबन 8 से 9 साल से यही मार्केट लगता है। कितने दिन का लगता है बाजार ये? ये 15 दिन का कलेक्टर साहब जो है इसका परमिशन देते हैं। हाँ जी। तो ये फीस वगैरह क्या रहती है? इसका फीस जो है जैसा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बोलती है वो हिसाब से कलेक्टर साहब चालान के द्वारा लेते हैं और लाइसेंस इशू करते हैं 15 दिन के लिए। तो बीच में जो लॉकडाउन था उसके बाद अभी क्या है, कोई हालत ठीक दिख रही है, बाजार कैसा है? नहीं, काफ़ी हालात अच्छे है और सुधर गए हैं, और लॉकडाउन के बाद जो लोग तंग आ गए थे, किसी को भी जो है त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिल रहा था, चाहे दिवाली हो या ईद हो, कोई भी ऐसा जोशो खरोश में ये नहीं किया था, लेकिन अभी खुलने के बाद से जो है बाज़ार में ज़्यादा उत्साह आ गया है, और कोविड के वजह से जो है लोगों ने माल भी कम मंगवाया है, तो इस साल जो है प्रोडक्शन ही 35% लॉस है, उस वजह से बाज़ार में 35% का शॉर्टेज है, और वो हिसाब से बाज़ार में शॉर्टफॉल रहेगा फटाखों का। यहाँ पे बाज़ार में कितनी दुकान लगती है? पूरे 50 दुकान है। बाज़ार में कितने साल पुराना है अंदाजा? बहुत पुराना है, काफ़ी सालों से है, इस मैदान के ऊपर तो 9 साल से लगा रहे हैं हम लोग। उससे पहले कहाँ लगता था? इसके पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर लगता था, उसके पहले स्टेडियम के अंदर लगाते थे, फिर इंदिरा गांधी मैदान हुआ, जहाँ जगह मिलती है, जहाँ कलेक्टर साहब बोलते हैं वहीं लोग हम लोग इशू करते हैं। इसके अलावा और कहीं बाजार लगता है नांदेड़ में? सिटी के अलावा कहीं दुकान लगती है ऐसी? नहीं, अब कोई एक का दुकान रहता है तो सिड़कों के अंदर जो है वो एक हाथ दो दुकान लगते हैं, वो भी इतने बड़े पैमाने पे नहीं, बहुत मामूली छोटे पैमाने पे रहती है सिड़कों की दुकानें। बड़ा मार्केट डिस्ट्रिक्ट का मार्केट तो यही है, और यहीं से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई वगैरह भी होता है। ये पूरा माल कहाँ से आता है, मतलब पूरा कहाँ से मंगाते हैं? शिवाकाशी से भी आता है और दिल्ली से भी आता है और महाराष्ट्र में तेरखेड़ा से भी आता है।
और लोकल का माल भी अच्छा रहता है, महाराष्ट्र का तेरखेड़े का माल है वो भी अच्छा रहता है। दिवाली सीजन खत्म होने के बाद कब माल अवेलेबल रहता माल ये? नहीं, तकरीबन इस साल तो कैसा है, शॉर्टफॉल है तो सिलक रहने का कोई सवाल ही नहीं आता है। इंशाल्लाह एक दो दिन पहले ही माल खत्म हो जाएगा। शादी सीजन वगैरह रहा तो कुछ ज्यादा माल वगैरह दिखता है? शादी सीजन रहा, शादी सीजन में तो कैसा है, उसका लिमिटेशन है, 5% 10% है, जो बचा कुचा माल है वो शादी ब्याह में निकल जाता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता है, बहुत मामूली बिकता है। शादी ब्याह में कितना बिकेगा, दिवाली जितना तो नहीं बिक सकता। ताज़ा तरीन खबरों के लिए वर्क ताज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।